सोशल मीडिया पर अक्सर ही स्टार्स और क्रिटिक्स के बीच एक हेल्दी कोल्ड वॉर चलता रहता है, लेकिन कमाल आर खान इकलौते ऐसे क्रिटिक्स हैं जो बुरी तरह स्टार्स को ट्रोल करते हैं और उनसे खुल्लम खुल्ला पंगे लेते हैं। ऐसे ही कमाल आर खान ने हिमाकत कर दी है सलमान भाईजान से पंगा लेने की, उन्हें धमकी देकर। जी हाँ, आपने सही सुना कि दबंग भाईजान को ट्विटर पर धमकी मिली है, और वो भी कमाल आर खान से, और वो भी उन्हें खत्म करने की। सबसे पहले आपको केआरके का ये ट्वीट पढ़ाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, We have a common friend and he called to tell me that Salu is talking very bad about me. I replied, Do I care? If he is abusing me sitting at his home, then he is finished. Means he doesn't believe his stardom and fans and he is scared of my review. ये डर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कमाल आर खान किस कदर खुद पर घमंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि सलमान और उनके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि सलमान उनके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। कमाल खान ने इस पर जवाब दिया कि क्या मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? अगर सलमान अपने घर पर बैठकर मुझे गालियां दे रहे हैं तो इसका मतलब वो खत्म हो चुके हैं। उन्होंने अपने स्टार्डम और फैंस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है और इसीलिए वो मेरे रिव्यू से डर गए। ये डर मुझे अच्छा लगा। कमाल आर खान के इस ट्वीट पर लोगों के भी तरह तरह के रिएक्शन सामने आए और सलमान के सपोर्ट में और कमाल आर खान के अगेंस्ट में ये रिएक्शंस कुछ इस तरह थे। 2 rupees क्रिटिक डॉगी केआरके, आई डोंट बिलीव दिस, सलू नेवर गिव्स अ डैम, लायर, सलमान का बॉडीगार्ड शेरा भी तुम्हारे बारे में नहीं पूछेगा तो सल्लू इस दूर की बात, मसाला मसाला, कॉमन फ्रेंड, उसके ड्राइवर ने तुमसे ज्यादा कार देखी होंगी, बाबा के यार के उस दोस्त का नाम भी बता दो जो आपको खबर देता है, सलमान खान तुझे जानता भी नहीं होगा एंड यू आर ट्राइंग टू गेट व्यूज एंड अटेंशन ऑन हिज नेम। खैर, ऐसा पहली बार नहीं है जब केआरके ने सलमान को लेकर कुछ गलत बोला हो और सलमान खान के फैंस ने उन्हें उन्हीं की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लताड़ा ना हो, लेकिन बावजूद उसके इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी कमाल आर खान बाज नहीं आते। वहीं केआरके ने सलमान के फैंस के लिए भी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कही है। एक बार उन्होंने कहा था कि सलमान के फैंस ज्यादातर नीची क्लास के लोग होते हैं, मतलब लेबर टाइप्स। वहीं रिसेंटली जो गाना तेरे बिना आया है उसमें जैकलीन को लेकर भी केआरके ने काफ़ी भद्दी बातें बोली हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। अब केआरके स्टारडम और पब्लिसिटी पाने के लिए चाहे जो भी कहें और सलमान खान, उनके फैंस, उनके को स्टार्स, उनके काम को इंसल्ट करने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सलमान खान को गिरा पाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह सलमान अपने फैंस का खूब ख्याल रखते हैं उसी तरह फैंस भी सलमान को अपना बहुत प्यार देते हैं और हमेशा उनकी साइड पर खड़े रहते हैं। केआरके की इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।